फ्यूचर को किसी ने जिया है? कैन यू सी, कैन यू प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर? व्हाट इज देयर फॉर यू इन कमिंग टू डेज? कैन एनी बडी टेल? कोई बता सकता है? है ना, स्टिल वी लिव इन दैट बिकॉज इट्स आवर होप, हमारी ये उम्मीद है कि ऐसा होगा. सो वो टेंस होकर के भी टेंस नहीं है. और यहीं पे एक दीवार बनती है, ये प्रेजेंट है, इसीलिए ये देखो ये उपहार वाला भी प्रेजेंट ऐसे ही होता है. और इसको प्रेजेंट इसीलिए बोला जाता है कि वाकई ये उपहार ही है. यह टाइम जो है, जो प्रेजेंट का टाइम है अभी जो जी रहे हैं हम लोग, ये उपहार है, है ना. अब इधर आता है पास्ट, जो बीत गया है, ठीक है. इधर है फ्यूचर, जो है ही नहीं भाई, जो होएगा ऐसा, ये हमारी ऐसी कल्पना है, ये हमारा ऐसा मानना है, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी उम्मीद है. अगर जब आपको सुनो, जब आपको आपके रूटीन में या आपकी बातों में या आपकी सोच में या आपके एक्शन में ये ज़्यादा घूमने लगे, तो आप ये समझ जाओ कि आप जो है क्या हो. और जब आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके एक्शन में, आपके सोचने, आपके मतलब आपके हर एक मतलब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अगर ये घूमने लगे, तो आप ये समझो कि आप ट्रैप्ड हो गए हो, आप फंस गए हो, पास में उलझ गए हो. पैसिमिस्टिक नहीं कहेंगे उसको, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ऐसा आदमी पैसिमिस्टिक होता है, क्योंकि पास से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं. कहते हैं गलती अगर एक बार हुई तो ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर दोबारा गलती होती है तो ये आपका डिसीजन होता है. अगर आपको केवल फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आगे क्या होगा, आगे होगा, आज होगा, आज होगा, आज आज परसों ये होगा, दो तीन चार दिन बाद, मतलब यू आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर, मीन्स यू आर ऑप्टिमिस्टिक, मतलब यू आर लुकिंग अहेड, वहाँ ठीक है वहाँ. सो हम टाइम के बारे में कर रहे हैं, तो टाइम है नहीं, ये हमारा एक उम्मीद है कि ऐसा टाइम आएगा, है ना. सो आप हम उसी टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. फ्यूचर इनडेफिनेट. तो हमने बोला था कि किसी भी टेंस कैटेगरी का सबसे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है वह होता है उसकी पहचान, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो आप बनाओगे कैसे. सो फॉर दैट टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन सेक हमें आइडेंटिफिकेशन इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं रहेगा कि यह किस टेंस कैटेगरी का है, तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और कौन सा एक्शन की वर्ब फॉर्म ऐड करोगे उसके साथ. यही बस आप इतना समझ जाओ तो आपका यह बिल्कुल आसान है आपके लिए, यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसलेशन की. बहुत कुछ है नहीं अभी, हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हमें बस केवल इतना ही पढ़ना है कि हर एक टेंस कैटेगरी का पहचान आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. पहचान अगर आपकी दुरुस्त है, अब जल्दी जितनी जल्दी पहचान जाओगे आपका ट्रांसलेशन उतनी ही जल्दी हो जाएगा. पहचान के बाद आपको बस केवल हर एक टेंस कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब्स और उससे रिलेटेड जो एक्शन वर्ब की फॉर्म होती है, बस इतना ही दिमाग में रखना होता है. सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्क है किसी भी टेंस कैटेगरी की पहचान. तो फ्यूचर में आप किताबों में, लोकल किताबों में या कोई स्टैंडर्ड किताब में भी अमूमन देखोगे तो मिलेगा. तो कैसे, क्या पहचान है किसी सेंटेंस के लास्ट में, गा गी गे आए तो, है ना. तो हम आपको ये जो ट्रांसलेशन का यहाँ पे मेथड डिस्कस करते हैं, यह आपके स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको डिस्कस करते हैं, कि आके आपको बोल पाओ, यानी कि आपको इन्हेंस्ड रेट पर आपको ट्रांसलेशन करने का यहाँ पे टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ, कि जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन हो जाए, क्योंकि बोलने का स्पीड तो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है ना. तो आपको यहाँ पे जो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये सोचता हूँ कि मैं आप जल्दी जल्दी कर पाओ. तो जल्दी जल्दी कैसे कर पाओगे, जब आपको पहचान होगी अच्छे से. तो पहचान होने के लिए आप गा गे गी सोच करके आप ऐसे ट्रांसलेशन करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा. तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे पहचान का तरीका हम लोग जानें कि उससे जल्दी से पहचान हो जाए. और जल्दी से कोई भी पहचान आपको तभी कर पाओगे, या कोई चीज़ आपको बहुत लंबे टाइम तक याद तभी रहेगी, जब वह आपके जीवन से अटैच होती है, बहुत क्लोज होती है. तो हम कुछ ऐसा पहचान का तरीका ढूंढ लें जिससे वह हमारे लाइफ से ही अटैच हो जाए पूरी तरीके से. तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम ऐसे मेथड को अपनाने की या ऐसे तरीके को जानने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन से हिंदी के सेंटेंसेज या हमारे जीवन के कौन कौन से एक्शन इस पर्टिकुलर टेंस कैटेगरी में गिरेंगे. ये हो जाए तो हमारा काम बन जाए. तो आप ये समझो कि फ्यूचर
ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी है, इसमें एक बात आती है आइडेंटिफिकेशन में, पी ओ डी, आपने सुना होगा पी ओ डी। पी का मतलब है प्रॉमिस, ओ का मतलब है ऑफर, और डी का मतलब है डिसीजन। ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, प्रॉमिस, ऑफर, डिसीजन। प्रॉमिस का मतलब कोई वचन देना, वादा करना। ऑफर का मतलब कोई ऑफर देना, कोई प्रपोजल देना, कोई जैसे होता नहीं क्या न्योता, या ऑफर का हिंदी क्या होगा, प्रस्ताव। हाँ, प्रस्ताव देना। ऑफर का मतलब कोई प्रस्ताव देना, बात समझ में आ रही है। और कोई डिसीजन बनाना, कोई डिसीजन बनाना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जीवन में ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रॉमिस की, ऑफर की, या डिसीजन की, मैं या कोई, मैं, आप या कोई, अगर ये एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी जो होगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगी। इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज हैं किसी प्रॉमिस, ऑफर या डिसीजन से रिलेटेड, ये सारे के सारे फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है कि जो भी मैं या आप या कोई भी कोई प्रॉमिस करेगा, बिना सोचे आपको फ्यूचर के इंडेफिनिट में ले जाना है। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, ये भी डिस्कस करा जाएगा। एक्टिव कैसे बनाओगे, डिस्कस किया जाएगा। पैसिव कैसे बनेगा, डिस्कस किया जाएगा। एक्टिव और पैसिव के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, ये डिस्कस किया जाएगा। उनके एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, ये भी डिस्कस किया जाएगा। ये सब चीज़ें पता चलेंगी। पहले आप ये समझ लो कि हिंदी के किस प्रकार के सेंटेंसेस को इस टेंस, इंग्लिश के इस टेंस कैटेगरी में रखना है।